Good morning students. In the previous video, I had explained 1 and 2 of question 2 of exercise 4.2. In this video, I will explain the remaining questions of this exercise. Third question tha. 27a to the power 4 minus 36a square by minus 9a. अभी हम इसको ऐसे लिखेंगे डिवाइड के प्रोसेस में बाय 9a इक्वल टू 27a टू द पावर 4 बाय माइनस 9a माइनस 36a स्क्वायर बाय माइनस 9a ऐसा हम डिवाइड के प्रोसेस में पहले लिख लेंगे उसके बाद हम दोनों डिजिट को अलग अलग लिखेंगे मतलब 27a टू द पावर 4 बाय माइनस 9a माइनस 36a स्क्वायर बाय माइनस 9a इज इक्वल टू अब इसको हम काटेंगे 93 जा 27 एंड 94 जा 36 तो आगे आपका माइनस 3a टू द पावर 4 अब ये हम इसको लिखेंगे 3 9 माइनस पे था इसलिए हम माइनस 3 करेंगे और दोनों का बेस सेम है ए ऊपर में भी ए है और नीचे में भी ए है तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे ऊपर एक्सपोनेंट में 4 है ए टू द पावर में डाउन में कुछ भी नहीं है तो हम इसको 1 मानेंगे डिवाइड में हम माइनस करते हैं फिर ये आ जाएगा आपका माइनस है यहाँ पे 9 तो 9 माइनस माइनस यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा 4 ए क्योंकि इसमें भी दोनों सेम है बेस तो ए से हम ले लेंगे और 2 माइनस 1 तो अब हम लिखेंगे माइनस 3a 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा आपका 3 प्लस 4a क्योंकि 2 माइनस 1 होता है मतलब 1 आएगा तो यहाँ टू द पावर आपका 1 नहीं लिखते हैं इसलिए आपका आंसर आ जाएगा माइनस 3a क्यूब प्लस 4a नाउ फोर्थ क्वेश्चन एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर अब हम इसको सिमिलर फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन जैसे लिखेंगे 2x स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर इक्वल अब इसको हम अलग अलग करेंगे x टू द पावर 4 4x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब बाय 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर तो अब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब यहाँ हम 1 मानेंगे तो 1 बाय 4 सेम आपका अप भी और डाउन में भी x x दिया है मतलब बेस सेम है तो हम लिखेंगे x 4 माइनस 2 प्लस यहाँ पे भी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 मतलब 1 बाय 2 ये आ गया 1 बाय 2 सेम बेस है इसलिए x को लेंगे 3 माइनस 2 प्लस 1 एंड 2 मतलब 1 बाय 2 एक्स 2 माइनस 2 तब 1 बाय 4 एक्स 4 माइनस 2 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 एक्स 3 माइनस 2 है मतलब ये एक्स हो जाएगा प्लस 1 बाय 2 एक्स ये टू द पावर आ जाएगा 0 अब हम 1 बाय 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 एक्स प्लस 1 बाय 2 1 हो जाएगा क्योंकि एक्स अभी हम फॉर्मूला में बताए थे एक्स ए टू द पावर 0 में मतलब उसका वैल्यू होता है 1 तो यहाँ पे भी एक्स टू द पावर 0 है मतलब उसका वैल्यू हो जाएगा 1 आंसर 1 बाय 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 एक्स प्लस 1 बाय 2